पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की मुख्य खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। जयपुर के राजा पार्क में अलविदा तनाव शिविर राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री ने किया उद्घाटन। खुद को तनाव मुक्त बनाने के लिए सीखे राजयोग ध्यान। ओम सांझी रिट्रीट सेंटर द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। घोड़ा कला के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लोगों ने कराई सेहत की जांच। गंगाराम हॉस्पिटल के विशेषज्ञों ने लोगों के बीमारियों की जांच। मुंबई के कल्याण सेवा केंद्र द्वारा 9 दिवसीय नशा मुक्ति अभियान। नशा की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों ने बताए उपाय। राजयोग सीखने की भी सलाह। केंद्रीय जल संसाधन एवं भूजल बोर्ड में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए जीवन प्रबंधन कार्यक्रम। लोगों को आंतरिक शक्ति बढ़ाने पर चर्चा। उत्तराखंड के रुड़की में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मीडिया सेमिनार। पत्रकारों से योग का प्रचार प्रसार करने की अपील। और मास्को में मनाया गया दादी जानकी का 100वां जन्मदिन। बड़ी संख्या में लोग शामिल। पूरे विश्व में मां की उपाधि से सुशोभित हैं दादी जानकी। अब खबरें विस्तार से। जयपुर में राजा पार्क सेवा केंद्र द्वारा 11 दिवसीय अलविदा तनाव शिविर का आयोजन किया गया। आदर्श नगर के दशहरा मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन राजस्थान के शिक्षा मंत्री कालीचरण सर्राफ, तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पूनम, राजा पार्क सब जोन प्रभारी बीके पूनम समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पूनम ने कहा कि अगर हम सबसे अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो हमें सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी होगी और कई गतिविधियों द्वारा तनाव से दूर रहने की युक्ति भी सिखाई। इतिहास समय सिखाता है कि हर समस्या की एक जीवन अवधि होती है। समस्या कुछ समय के लिए आती है और समय के साथ ही वापस चली जाती है। इसलिए हर हाल में मस्त रहने की आदत डाल दीजिए। जो हर हाल में मस्त रहता है वो कभी भी तनावग्रस्त नहीं होता। इसके साथ ही राजा पार्क सब जोन प्रभारी बीके पूनम ने कहा कि समस्याएं दिन प्रतिदिन तो बढ़ती जाएंगी, लेकिन जब हम अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाएंगे तो समस्याएं खेल जैसा अनुभव होंगी। शारीरिक बीमारियां जो आज के भौतिक युग की देन है, हाइपरटेंशन, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम, जो बाल्यावस्था में भी आक्रमण कर लेती हैं ये बीमारियां, इनका कारण मन है। 80% कहते हैं बीमारियां मन से उत्पन्न होती। 11 दिवसीय शिविर के दौरान हजारों लोगों ने तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सीखी और राजयोग से होने वाले लाभ की जानकारी ली। इस दौरान अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेजकर शुभकामनाएं दी गयी। शांति रिट्रीट सेंटर द्वारा भोड़ा कला के श्रीराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस निशुल्क शिविर में गंगाराम अस्पताल के 14 चिकित्सकों के दल ने विशेष रूप से हड्डियों, छाती व दांतों एवं अनेक प्रकार के शारीरिक बीमारियों की अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा जाँच के साथ साथ निःशुल्क दवाइयाँ प्रदान की गयी। इसमें करीब 400 लोगों ने अपने सेहत की जाँच कराई। बहुत लोगों को ऐसे जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में, बैक में, और वो पूरी तरह से डायग्नोज नहीं हो सकता और जब तक वो शहर में पहुंचते हैं तो बहुत लेट हो जाता है। तो इसीलिए हमने इसलिए ये सोचा कि यहाँ पे हम विलेज में ये हेल्थ कैंप लगाएं ताकि ये पहले ही डायग्नोज हो जाए और आगे जाके प्रॉब्लम ना हो सके। कार्यक्रम में गंगाराम चिकित्सालय से आए चिकित्सकों ने लोगों को तन की बीमारियों का कारण मन का अस्वस्थ होना बताया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस
में जो भी पेशेंट्स आते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, सब लोग का हम लोग एक हड्डियों की जांच यहाँ पर करते हैं, जिससे पता चलता है कि उनका हड्डियों के आगे टूटने का रिस्क कितना है। इसके अलावा उनके ब्लड प्रेशर, शुगर, जो बेसिक चेकअप जो होता है, सारे बेसिक मेडिकल टेस्ट हम लोग करते हैं और सारे पेशेंट्स को स्क्रीन कर रहे हैं ताकि इन मेटाबॉलिक डिजीज़ का किनको है किनको नहीं है उसके हिसाब से हम लोग उनको ट्रीट कर रहे हैं और दवा दे रहे हैं। नई दिल्ली के जल संसाधन मंत्रालय तथा केंद्रीय भूजल बोर्ड में राज्यों द्वारा तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी को आमंत्रित किया गया, जिसमें लोधी रोड से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने कहा कि हम हालात को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने ख्यालात बदल कर तनाव मुक्त जीवन बना सकते हैं। इसके साथ ही दूसरों को बदलने के बजाय स्व परिवर्तन करने पर जोर दिया। तो आज अगर हम ये गांठ बात गांठ बांध लें कि मैं जो कर रहा हूँ उसका ही फल मेरे सामने आ रहा है, तो हमारी बहुत सारी टेंशन आज से कम हो जाएगी। इस सेमिनार में सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट एसके सिन्हा ने इस कार्यक्रम को सभी के लिए उपयोगी बताया और भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करने की इच्छा जाहिर की। महाराष्ट्र के कल्याण सेवा केंद्र द्वारा 9 दिवसीय नशा मुक्ति संवर्धन एवं नशा रोकथाम अभियान का आयोजन किया गया। मेडिकल प्रभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत कल्याण समेत आसनगांव, वसिंध, शाहपुर, भिवंडी के कई क्षेत्रों तथा सरकारी विभागों में लोगों को व्यसन मुक्ति के प्रति जागरूक कराया गया। अभियान के अंतर्गत भिवंडी के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में व्यसन मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन IGM के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर नितिन मोक्षी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिल्पा, कुंभपाड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को व्यसनों से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। इसी के तहत जल आपूर्ति विभाग ब्रह्मा कुमारी के पीस पार्क सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा दी गई। ऐसे ही कल्याण रेलवे स्टेशन, वासिंध, शाहपुर तथा आसनगांव के बस डिपो में व्यसन मुक्ति चित्र प्रदर्शनी लगाई गई तथा अवलोकनकर्ताओं को व्यसनों से होने वाली हानियों की जानकारी दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने व्यसनों के सेवन से स्वयं को बचाकर एक खुशहाल जीवन जीने का संकल्प लिया। पंजाब बल्टाना के प्रीत विहार सेवा केंद्र पर बाल व्यक्तित्व विकास के लिए आयोजित 7 दिवसीय समर कैंप का समापन समारोह मनाया गया। समारोह में पंजाबी फिल्म के मशहूर कलाकार मेहर मित्तल, चंडीगढ़ से समाज सेवक जगतार सिंह मुल्तानी, बल्टाना से जीरापुर कमेटी के प्रधान कुलबिंदर सिंह सोही, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर बच्चों ने शिविर के दौरान जो भी सीखा उसे बताया और कुछ सांस्कृतिक झलक भी प्रस्तुत की। कार्यक्रम के दौरान बीके सुमन ने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि माता पिता अपना भरपूर प्यार बच्चों को दें और एक दोस्त की तरह बनने का प्रयास करें, ताकि आज के बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करें और उनसे अपनी सभी बातें शेयर कर सकें। ये जो बच्चों को योग सिखाया गया है, इस योग से आप अपनी पांचों सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हो। जब आप पांचों सेंसेस को कंट्रोल करके कभी क्लास में बैठते हो तो जो भी आपने टीचर ने आपको पढ़ाया है वो एकदम आपको 60-70% तक आपकी रिटेंशन रह जाती है। अगर आप आगे उसी दिन उसको रिपीट कर लेते हो तो 90% हो जाती है। ये हमने खुद अजमा के देखा है। ये शिक्षा जी है ना, ये स्पिरिचुअल है। ये सुनो, शिक्षा सुनो, ये कम आएगी। तुझे पहले लपवी परंपरा परमात्मा कहना की है, परमात्मा ने इंट्रोडक्शन आदि आप पे दी है। हम दिन में 5 मिनट गुस्सा करते हैं तो हमारे 4 घंटे की कार्य करने की शक्ति
5 मिनट के गुस्से में लग जाती है कि आज बच्चों और पेरेंट्स का रिलेशन बहुत खराब होता जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को प्रमाण पत्र देकर शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बच्चे व अभिभावक मौजूद थे। उत्तराखंड के रुड़की सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष में मीडिया में राजयोग का महत्व विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। मीडिया कर्मियों के लिए आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन शिक्षाविद एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण, प्रसिद्ध लेखक श्री गोपाल नारसन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिमला समेत कई मीडिया कर्मियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण ने कहा कि मीडिया को आत्मानुशासन एवं सकारात्मक पत्रकारिता की आवश्यकता है, तभी शांति एवं अहिंसा की पुनर्स्थापना का पुनित कार्य पूरा किया जा सकता है। इसके साथ ही बीके बिमला ने राजयोग के माध्यम से अपने जीवन स्तर में सुधार लाकर सकारात्मक लेखनी द्वारा राष्ट्र निर्माण एवं विश्व शांति की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार एस एस सैनी व लेखक घनश्याम बादल ने माउंट आबू में हुए अनुभवों को साझा किया और अंत में बीके सोनिया ने राजयोग द्वारा परमात्मा अनुभूति कराई। जम्मू के 248 बीसी रोड सेवा केंद्र पर 2 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व मंत्री आरएस चिप, विधायक राजेश गुप्ता, मूर्ति कृष्ण आश्रम के स्वामी कुमार, युवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके आत्मप्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदर्शन समेत कई प्रतिष्ठित लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके आत्मप्रकाश ने राजयोग के महत्व को बताया और श्रेष्ठ संकल्प करने पर भी बल दिया। इस अवसर पर सभी विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर तथा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान बीके आत्मप्रकाश ने कहा कि बिना आध्यात्म के जीवन अधूरा है, इसलिए जीवन में सुख शांति के लिए ज्ञान का समावेश करें। इसके साथ ही बीके सुदर्शन ने राजयोग द्वारा परमात्मा अनुभूति कराई। भारत जो है आध्यात्मिक प्रधान देश है, सारे संसार को आध्यात्मिकता की रोशनी प्रदान करने वाला देश है। जब भी आध्यात्मिकता की आवश्यकता होती है, सबकी निगाहें भारत की ओर दौड़ जाती है। हमारे पूर्वजों ने बुराइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए, विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए इतना लिटरेचर उपलब्ध किया है। लिटरेचर को अगर इकट्ठा करेंगे ना, बड़े बड़े पहाड़ बन सकते हैं। ब्रह्म कुमारी संस्थान सोनीपत के विश्व कल्याण सरोवर में राजयोग द्वारा स्वस्थ और सुखी समाज विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली की सब जोन प्रभारी राजयोगिनी दादी रुक्मणी, दिल्ली शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी, विश्व कल्याण सरोवर के निदेशक बीके लक्ष्मण ने राजयोग द्वारा परमात्मा से सुख शांति आनंद का वर्षा लेने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का होना आवश्यक बताया। साथ ही मन को परमात्मा में लगाने के लिए एकाग्रता को बढ़ाने का नियमित रूप से अभ्यास करने पर जोर दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। वडोदरा के नगर प्राथमिक शिक्षण समिति द्वारा सयाजी गार्डन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी को आमंत्रित किया गया, जिसमें मंगलवाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज, योगाचार्य दुष्यंत मोदी, बीके हेमा ने मुख्य रूप से सहभागिता की। शिक्षकों और नगर परिषद के स्टाफ के लोगों के लिए आयोजित इस ट्रेनिंग में दुष्यंत मोदी और बीके राज ने तन व मन को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक व्यायाम के साथ राजयोग की विधि से भी अवगत कराया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर ट्रेनिंग का लाभ लिया। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के सीनियर सिटीजन फोरम में सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस एंड मेमोरी पावर थ्रू राजयोग विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेक्टर 13 सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन कुरुक्षेत्र मॉडल स्कूल के प्राचार्य और समाज सेवी निशी गुप्ता, मोटिवेशनल ट्रेनर बीके करण राणा, विश्व शांति धाम के निदेशिका बीके सरोज, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकुंतला ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके करण ने कहा कि हमारे जीवन के कई पल बीत चुके हैं, लेकिन अगर हम भूतकाल व भविष्य के बजाय वर्तमान में जिएंगे तो हम अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं।
राजधानी दिल्ली के हस्तसाल सेवा केंद्र पर सहज राजयोग एवं स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वागत नृत्य द्वारा बालिकाओं ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में मैसूर सब जोन प्रभारी बीके लक्ष्मी, द्वारका सेक्टर 12 सेवा केंद्र प्रभारी बीके रचना, सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना ने राजयोग को सभी प्रकार के योगों में सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उसकी विधि सिखाई। वहीं बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को सदा खुश रहने के लिए दुख न देने वाले बोल बोलने की बात कही। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर के बरमान में गीता रहस्य एवं तनाव प्रबंधन शिविर का आयोजन किया गया। ग्राम बरमान के गोपाल सदन भवन में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत उपाध्यक्ष शीला देवी ठाकुर, पूर्व मंडी अध्यक्ष राव नेत्रराज सिंह, पंडित दिनेश तिवारी, सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके प्रीति ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को बीके प्रीति ने आत्मा का यथार्थ ज्ञान दिया तथा तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए सकारात्मक सोच, राजयोग, ध्यान सहित 18 सिद्धांत बताए। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के हेमूनगर सेवा केंद्र पर 6 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन सेवा केंद्र प्रभारी बीके लता, राजयोग शिक्षिका बीके उमा तथा सेवा केंद्र पर उपस्थित बच्चों के अभिभावकों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके लता ने संस्कारवान बनने के लिए अच्छे गुणों को धारण करने तथा बड़ों का आदर व सम्मान करने पर प्रेरित किया। इस अवसर पर उपस्थित अभिभावकों से स्वयं को सक्षम बनाकर बच्चों को सक्षम बनाने की अपील की गई। इस दौरान शिविर में चित्रकला, नृत्य समेत अन्य कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने भाग लेकर अपने हुनर का प्रदर्शन किया। साथ ही कई प्रेरणादायी गतिविधियां आयोजित कर बच्चों को आत्मा के सातों गुणों से अवगत कराया गया। नेपाल पोखरा के नया बाजार सेवा केंद्र पर राजयोग द्वारा सुखी और स्वस्थ समाज विषय पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यूनिवर्सल पीस फेडरेशन के अंतर्गत रिलीजियस यूथ सर्विसेज रशिया, कनाडा, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान से युवाओं ने सहभागिता की। कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके बिन्नी ने उपस्थित युवाओं को दैनिक दिनचर्या में अपने सारे कार्य व्यवहार तथा जिम्मेवारियों को संभालते हुए राजयोग को जीवन में अपनाने पर बल दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवा उपस्थित थे तथा अपने अनुभवों को सबके साथ साझा किया। I in mind, many times in a day. I see faces like my leg, my head. My leg is paining, my head is paining. I'm the manager, I'm the professor. I'm Sister Binni. I'm engineer. I'm Brahma Kumari. I'm Russian, I'm African, I'm Pakistani. But have you ever thought about it? Who is this authority that is spelling this word I and mine? पंजाब के पटियाला सेवा केंद्र पर तीव्र पुरुषार्थी समूह का वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता, राजपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश, राजयोग शिक्षिका बीके पूजा, बीके जगदेव समेत कई बीके सदस्यों ने दीप जलाकर तथा केक काटकर खुशियां मनाई। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। रूस के
की राजधानी मास्को के ब्रह्म कुमारी संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रशिया संघ के भारतीय राजदूत पीएस राघवान, रूस में ब्रह्म कुमारी सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय विभाग के निदेशक बीके डॉक्टर विजय, मास्को के निदेशक बीके सुधा ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में सूचना सांस्कृतिक और प्रेस के सलाहकार राहुल श्रीवास्तव, भारतीय दूतावास में जवाहरलाल नेहरू कल्चरल सेंटर के निदेशक आशीष शर्मा ने भी सहभागिता की। इस दौरान सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने मनमोहक गीत द्वारा लोगों का स्वागत किया। इस अवसर पर भारतीय राजदूत पीएस राघवान ने संस्थान द्वारा विश्व में सुख व शांति लाने के प्रयास की सराहना की, साथ ही संस्था द्वारा सिखाए जा रहे राज्यों को सर्वश्रेष्ठ बताया। First of all, I'd like to compliment the Brahma Kumaris for the splendid work that you're doing in spreading the message of peace, love and spirituality. In this context, it is of course very appropriate that you're also spreading the message of yoga in this country. How it is a combination of mind and body, a combination of thought and action. So in that form, yoga is much more than a system of exercise. कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर बीके विजय, बीके सुधा ने संस्थान की गतिविधियों की जानकारी दी और अतिथियों को ईश्वरी सौगात भेंट की। वहीं भारतीय राजदूत समेत सभी प्रतिष्ठित लोगों ने सेवा केंद्र का अवलोकन किया और ईश्वरी सेवाओं से अवगत हुए। कार्यक्रम के अंत में योगाभ्यास कराया गया, जिसके द्वारा सभी ने असीम शांति की अनुभूति की। रूस के मास्को में ब्रह्म कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जब हम बदलेंगे तो विश्व बदलेगा विषय पर आयोजित कार्यक्रम में वास्को छोए डेगुनिनो समाज सेवा केंद्र के निदेशक गलीना पचेका, संस्थान के मलेशिया सेवा केंद्रों के निदेशक बीके मीरा, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संघ चैरिटेबल फंड मामा के अध्यक्ष रईस अटना गुलो, बहुमन तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तत्याना मोरास्किना, रशियन फेडरेशन विदेश मामले के राजनीतिक एकेडमिशियन प्रोफेसर कॉन्स्टेंटिन, मास्को सेवा केंद्र के प्रभारी बीके सुधा समेत कई ख्यातनाम लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने कहा कि दादी जानकी आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति की मिसाल है। उन्हें पूरे विश्व में माँ का दर्जा हासिल है। लाखों लोगों की जिंदगी में उन्होंने ऊर्जा और शक्ति का संचार किया है। उनके जन्मदिन की हम शुभकामनाएं देते हैं। इसके साथ ही सभी अतिथियों ने दादी जानकी के जन्मदिन की खुशियां मनाते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना की। मास्को सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चैरिटी फंड के इंटरनेशनल पब्लिक एसोसिएशन के अध्यक्ष राइस अतनोगुलोव ने बेलारूस से अलेकेसी तलाय को सेवा केंद्र पर आमंत्रित किया। कार्यक्रम में अलेकेसी तलाय के साथ प्रश्नावली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मास्को के निदेशक बीके सुधा ने उन्हें परमपिता परमात्मा शिव के निराकार तथा स्वयं के वास्तविक स्वरूप से अवगत कराया। इस दौरान उन्हें ईश्वरी सौगात भेंट कर तथा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के सदस्यों ने उपस्थित होकर उनसे मुलाकात की। दिल्ली के किंग्सवे कैंप सेवा केंद्र की प्रभारी बीके साधना विदेश यात्रा दौरे पर दक्षिण अफ्रीका पहुंची। इस दौरान उन्होंने जोहान्सबर्ग, केप टाउन तथा डरबन में ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्रों से जुड़े सदस्यों को कर्मों की गहन गति, खुश रहने के मंत्र आदि विषयों पर चर्चा की तथा राज्यों की गहराई पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सदस्यों ने उनसे मुलाकात की। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.gollywoodstudio.org और गॉलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.gollywoodstudio.org। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है
आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।